हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सैनिक स्कूल रीवा क्लास सिक्स के लिए। इसके साथ ही हमने रिजल्ट्स की डेट भी डिक्लेयर की थी कि किस डेट को रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, ये डेट हमने डिस्कस की थी। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपडेटेड है, तो अगर आप लोगों को इससे फेमिलियर नहीं है तो याद रखिए 28 February इज़ द डे जब मोस्ट एक्सपेक्टेडली आप सभी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। दोनों ही सेशंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आप और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उन लिंक से इन सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कट ऑफ के रिगार्डिंग ही। तो आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो अनअवेयर हैं कि कट ऑफ क्या है, तो आज हम यही देखेंगे कि आखिर कट ऑफ होता क्या है और क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये कट ऑफ बनाया जाता है, और ये सोलली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, ताकि जब भी हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी सेशन अपलोड हो या इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीरीज़ में किसी भी सैनिक स्कूल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपलोड हो या सेशन रिलीज़ हो, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन से पीछे ना रह पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ क्या है। कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जिस पे लास्ट स्टूडेंट को सीट अवार्ड हुई होती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना पेपर लिख कर आए हैं, उसमें से कई स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले होंगे और आप लोगों ने अब सब एडमिशन के लिए अप्लाई किया, तो उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला। जिनकी रैंक और जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे उन्हें एडमिशन मिला, और उसके बाद ये ऑर्डर डिक्रीज़ होता गया। तो जो लास्ट स्टूडेंट था जिसको एडमिशन मिला, उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे उसे हम कट ऑफ कहते हैं। तो इस कट ऑफ से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका जो डिज़ायर्ड सैनिक स्कूल है वो अलॉट हो पाएगा या नहीं। तो ये सैनिक स्कूल के केस में नहीं, किसी भी और एग्ज़ाम के केसेस में जब कट ऑफ के बारे में बात की जाती है तो यही सेम मीनिंग होता है। जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसे जब सीट अलॉट हो जाती है तो उस लास्ट कैंडिडेट के जितने मार्क्स होते हैं उस लिस्ट में, जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसके जितने मार्क्स होते हैं उससे हम उन मार्क्स को हम कट ऑफ कहते हैं। तो क्या है आखिर फैक्टर्स जिनके बेसिस पे सैनिक स्कूल अपना कट ऑफ डिसाइड करता है? तो देखिए, देर आर बेसिकली 5 फैक्टर्स जिनके बेसिस पे सैनिक स्कूल एवरी ईयर अपना कट ऑफ डिसाइड करता है, एंड ये कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए वेरी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर स्कूल के लिए भी वेरी करता है। हर सैनिक स्कूल अपना सेपरेट कट ऑफ निकालता है जब उनकी एडमिशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट एंड पे होती है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स से। द फर्स्ट फैक्टर इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर। कितने स्टूडेंट्स थे जो उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए, ये एक मेजर बेसिस होता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। सेकेंड फैक्टर इज़ नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स। नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स होती हैं ये आपका सेकंड फैक्टर होता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। थर्ड इज़ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ AISSEE 2021 या फिर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एनी अदर एग्ज़ाम, बट यहाँ हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ फॉर 2021। तो याद रखिए, डिफ़िकल्टी लेवल को पेपर के एग्ज़ामिन किया जाता है और उसको देखते हुए कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। फोर्थ इज़ प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल कट ऑफ। तो जो प्रीवियस ईयर के आपके कट ऑफ होते हैं पास्ट 3 ईयर्स के और पास्ट 5 ईयर्स के, उन मार्क्स को, उन कट ऑफ को कंसिडरेशन में लिया जाता है और उनके बेसिस पे और इन अदर सेवरल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए एक कट ऑफ फॉर्मुलेट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर इज़ रिजर्वेशन नॉर्म्स। रिजर्वेशन नॉर्म्स को भी क्राइटेरिया में रखा जाता है कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। जनरल स्टेट के लिए, जनरल अदर स्टेट्स के लिए, डिफेंस के लिए कितना रिजर्वेशन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। तो यही था आज का वीडियो। इसमें हमें डिस्कस किया कि कट ऑफ आखिर है क्या और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपके सैनिक स्कूल रिलीज़ करता है वो किन फैक्टर्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो अभी हम अपने इस चैनल पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 एज वेल एज़ फॉर क्लास 9 दोनों के लिए ही, फॉर इंडिविजुअल सैनिक स्कूल। तो अगर कोई पर्टिकुलर सैनिक स्कूल है जिसके लिए आपको लग रहा है कि मुझे इसका कट ऑफ चाहिए क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई किया है, तो आप उसे वेरी फर्मली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम उस सेशन को पहले करेंगे। कई स्टूडेंट्स ने अभी मेंशन किया है तो उनके लिए कट ऑफ वीडियोस पहले बनाए जाएंगे। जैसे ही आपके मेंशन स्कूल का नंबर आएगा तो उसके लिए भी हम एक कट ऑफ सेशन करेंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है।
थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स आल्सो. इसके साथ ही आने वाली सभी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल. थैंक यू.